जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है YouTube चैनल ITI कैंपस इंटरव्यू में। एक और सरकारी बंपर भर्ती आ चुकी है, ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। गवर्नमेंट जॉब है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाई लेवल की क्वालिफिकेशन योग्यता नहीं है। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है वो 10वीं और 12वीं के छात्र है, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की स्टार्ट डेट है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 6 दिसंबर से। टोटल वैकेंसीज है वो 98,083 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। पूरी जानकारी बताई जाएगी। मैंने हाई लेवल की क्वालिफिकेशन योग्यता बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज नहीं लेकर आया हूं। गवर्नमेंट सेक्टर से यही सोचता हूं कि ओनली 10वीं 12वीं के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो किसी भी वैकेंसीज के लिए, ऑल इंडिया सेंटर की वैकेंसीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सभी भारतीय मूल निवासी इसको आवेदन कर सकते हो। काफी ज्यादा वैकेंसीज है। सैलरी स्टार्टिंग आपकी 18,000 से लेकर 56,000 रुपए प्रति महीना रहने वाली है। और डाक विभाग के लिए, इंडिया पोस्ट के लिए, 3 पोस्टों के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट रहने वाली है 3 डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तीनों डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसीज है वो 98,083 पोस्ट रखी गई है। पूरी जानकारी बताई जाएगी, लास्ट डेट कब की है, कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कहां से कर सकते हैं, सभी जानकारी, सभी मूल्य भारतीय मूल निवासी के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे YouTube चैनल पे जो भी युवा साथी जुड़ रहे हैं उनके लिए हार्दिक अभिनंदन। और साथ ही साथ में जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पहले के जुड़े हैं, जिनके पास बेल आइकन घंटी को प्रेस नहीं है, तो दोबारा से ऑन करके ऑफ करके ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहां पे 4 वीडियो प्रतिदिन कैंपस प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर से विकास से किसी भी प्रकार की वैकेंसीज हो, चाहे गवर्नमेंट अप्रेंटिस करना चाहते हो चाहे प्राइवेट अप्रेंटिस करना चाहते हो, आप लोगों के लिए YouTube चैनल डेडिकेट पूरी तरह से निःशुल्क है। और किसी भी विभाग के लिए, किसी भी प्राइवेट सेक्टर से जॉब निकलती है उसका कोई पैसा कहीं नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आपको रिक्वायरमेंट तक पहुंचाया जाता है आप तक। और चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, ले चलता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन ITI जॉब 2021 देखते हैं कंपनी का पूरा। ITI जॉब 2021 पे आपको बहुत सारे रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पहुँचोगे तो नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन की नाम बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया पोस्ट के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। इंडिया पोस्ट ऑफिस के लिए वैकेंसीज है, सेंटर की वैकेंसीज है। इसमें 6 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन भरना स्टार्ट हो चुके हैं, आवेदन भर सकते हैं सभी स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे मेल गार्ड की, पोस्टमैन की और MTS की भर्ती रहने वाली है। तो 3 तरह से यहाँ पे डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो पोस्टमैन के लिए वैकेंसीज है, वो क्वालिफिकेशन योग्यता रखी गई है 10th 12th, जो भी वर्किंग GIDC है वो स्टूडेंट यहां पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उनके लिए टोटल वैकेंसीज है वो 59,099 पोस्ट रखी गई है, यानी 59,099 पोस्ट है वो पोस्टमैन के लिए, ठीक है, पोस्टमैन भर्ती के लिए रखी गई है। MTS भर्ती है, उसमें देख सकते हो 10वीं पास रखी है, ओनली 10वीं पास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा हाई लेवल की कोई वैकेंसीज के लिए कोई योग्यता जरूरत नहीं है। आप सरकारी विभाग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो टोटल वैकेंसीज है 37,539 पोस्ट रखी गई है, ठीक है, MTS भर्ती। और मेल गार्ड के लिए वैकेंसीज रखी गई, इसमें 10th 12th और आपका GIDCM है वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 10वीं 12वीं के छात्र। और इसके लिए टोटल वैकेंसीज रखी गई है वो मेल गार्ड के लिए रखी गई है 1445 पोस्ट रखी गई है। टोटल वैकेंसीज है वो 90,000 के करीबन पोस्ट रखी गई है, और 98,000 के करीबन पोस्ट हैं, 98,000 बच्चों का सिलेक्शन किया जाना है। साथ ही साथ में यहाँ पे देख सकते हो आयु सीमा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आयु सीमा रिलेशन पे आपको छूट दी जाएगी। वैसे 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच आप आवेदन कर सकते हो। ABC OBC जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए और जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके विभाग के लिए 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का छूट देखने को मिल जाएगा, वो विज्ञप्ति के अंदर है। बाकी आपकी एज क्राइटेरिया की गणना यहाँ पे 1 जनवरी 2022 से की जा रही है और नियमानुसार आपको छूट दी जाएगी जो डाक विभाग आपको दी जा रही है डाक विभाग की तरफ से। अब हम बात करते हैं सैलरी और सुविधाएं। निम्न पदों पे जो भी जिस विभाग के लिए आपका सिलेक्शन होगा उन्हीं पदों के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। जैसे मानदेय आपको 18,000 से लेकर 69,000 रुपये प्रति महीना दिया जा सकता है मासिक वेतन। और साथ ही साथ में यहाँ पे फीस की बात करते हैं, अप्लाई फीस की, तो जर्नल कास्ट के बच्चे OBC और ESW वालों के लिए 100 रुपीज़ रहेगी, SC ST PW के लिए कोई फीस नहीं देनी है, ना फीमेल्स के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी है, कोई फीस नहीं है उनके लिए, 0 रुपये है। तो आप ऑनलाइन जो भी आपका 50 रुपये फॉर्म का है वो डलवाओगे तो वो आपका सभी कैटेगरी वाले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं, कब से ये फॉर्म डलना स्टार्ट होंगे। तो पोस्टमैन और गार्डमैन के लिए, जो मेल गार्ड है उनके लिए 6 दिसंबर से फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, 6 दिसंबर से उनकी विज्ञप्ति के लिए 6 दिसंबर से फॉर्म डाल सकते हो। और 25 जनवरी 2023 से आप MTS भर्ती के लिए भी फॉर्म डाल सकते हो, जो 1400 पोस्ट आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं
नोटिफिकेशन विज्ञप्ति की, नोटिफिकेशन विज्ञप्ति आईटीआई जॉब 2021 स्टूडेंट की वेबसाइट पे विजिट होती है वहाँ पे दे रखी है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विज्ञप्ति खुल के आ जाएगी। विज्ञप्ति आपको पूरी तरह से रीड कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने विज्ञप्ति खुल के आ जाएगी इंडिया पोस्ट की। यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मैंशन करवाई गई है, साथ ही साथ में यहाँ पे आप विज्ञप्ति जरूर पढ़ें। इंपॉर्टेंट ऑफ नोटिफिकेशन की डेट है जो जारी की गई है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ में टोटल वैकेंसीज, यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। विज्ञप्ति काफ़ी बड़ी 10 पेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे पोस्टमैन की वैकेंसीज है वो देख सकते हो। फ्रेंड आपके पास जर्नल OBC SC की क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है क्लास के हिसाब से, और यहाँ पे वेतन की बात करते हैं तो 21,700 से लेकर 69,000 रुपये तक आपको वेतन दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो पोस्टमैन के लिए वैकेंसीज है 59,099 पोस्ट रखी गई है। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया इनकी आप पढ़ सकते हो, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्या इनको बच्चों को छूट मिलेगी। अब हम दो नंबर पे नीचे बात करते हैं तो कुछ टर्म कंडीशन है दो नंबर के लिए पोस्ट के लिए यहाँ पे दे रखी है, वो आपको नीचे देखने को मिलेगी। तो कुछ टर्म कंडीशन बहुत सारी है, इसमें आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे दूसरा जो रखा गया है वो यहाँ पे देख सकते हो मेल गार्ड के लिए रखा गया है, जहाँ पे 1445 पोस्टें रखी गई है। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन 10th 12th वाले कैंडिडेट मैट्रिक पास है वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे सैलरी यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है। और यहाँ पे विभाग नंबर 3 की है जानकारी, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वो भी नीचे स्क्रॉल करके जाओगे या तो यहीं पे इसी नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो आप ज़रूर पढ़ें, रीड करें, और साथ ही साथ में यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। तो मेन मेन्यू आपको पढ़ लेना है आराम से, ज़्यादा हटकचार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया गिनना, यहाँ पे 10th 12th पास के लिए क्या प्रोफॉर्म रखी गई है तो पूरी सूचना है। यहाँ पे लोकल क्राइटेरिया के लिए कौन से पास होने चाहिए तो वो पढ़ लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कैंपस प्लेसमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जवाहर।